जनपद सदस्य ने लगाए आरोप, झरेर पंचायत में मिट्टी भरकर बनाए जा रहे हैं लाखों के घटिया रपटे। नरेगा के कामों में चल रही है जेसीबी, चहेते के नाम चढ़ा रहे हैं मजदूरी। खबर कराहल से है, जहां आज जनपद सदस्य ने बताया कि झरेर पंचायत भ्रष्टाचारी की सारी हदें पार कर चुकी है। वर्ष 2023 में जितने भी काम पंचायत द्वारा किए गए हैं वह बहुत ही घटिया हैं। पंचायत सचिव सरपंच अपनी मनमानी के चलते शासन की राज का दोहन करने में लगे हैं। आमजन को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जनपद सदस्य ने बताया कि पंचायत पैसों के बंदरबांट में इतनी व्यस्त है कि अंजी नोई गाँव में मूलभूत व्यवस्थाएँ भी मुहैया नहीं करा पा रही है। कई महीनों से पानी की मोटरी बंद पड़ी है, लोग पानी के लिए परेशान है। पेयजल के नाम पर खूब पैसा आता है मगर इस पैसे का क्या होता है कोई ठिकाना नहीं है। आमजन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जब एक जनपद सदस्य द्वारा कई बार शिकायतें करने के बाद भी इन पंचायत के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इससे तो यही लगता है कि इन कामों का एक मोटा कमीशन अधिकारियों तक पहुंचता होगा। बता दें कि फास्ट समाचार द्वारा पंचायत के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, जिसमें अब कराहल जनपद सीईओ द्वारा झरेर पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी गई और जांच अधिकारी सहायक मंत्री और उपयंत्री जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जांच किस मुकाम पर पहुंचेगी। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? आपके कार्य क्षेत्र में झरेर पंचायत आती है, क्या शिकायतें हैं वहाँ, कैसे काम हो रहे हैं, कुछ शिकायतें हैं वहाँ पर? घटिया काम हो रही है। मैं घटिया काम हो रहे हैं वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे पैसे निकाल के खा रहे हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार हैं? हाँ, नौकर का कार्य है सरपंच सेक्रेटरी। अच्छा, सरपंच सेक्रेटरी वहाँ के, यानी काम अच्छे नहीं कर रहे हैं वो लोग? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गिरिराज, आदिवासी नाम है मेरा। गिरिराज जी, क्या हो आप? मैं, मेरे घर से मतलब मेरे मैसेज है जनपद सदस्य, तो मेरा भी दायित्व बनता है बोलने का, पंचायतों घूमने करने का भी, काम वाम देखने का भी। तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब हमारी पंचायतों में पूरा काम ये काम करवाया जा रहा है, मतलब पंचायत सरपंच द्वारा। तो उसमें क्या हो रहा है कि मट्टी से बनाते हैं और प्रेस में मतलब 2 इंची मसाला चढ़ाते हैं और पूरा पैसा निकाल के खा जाते हैं। ऐसे कितने काम कर चुके हैं वो? ऐसे उन्होंने मतलब बहुत काम करके और छोड़ में लिए, बहुत से अधूरे पड़े हैं। और मतलब तुम अगर देखने चाहते हो, शासन के लिए बताना चाहते हो, तो मतलब पूरा घटिया काम है। हम मतलब वीडियो बना के भी रख मिली हमने, तो इसमें फोटो मोटी भी सेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब ठेकेदार द्वारा, ये मतलब ठेकेदार या मतलब सेक्रेटरी या मतलब सरपंच के इनके द्वारा ये पैसा निकाले जा रहे हैं और मतलब बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं है, पूरा घटिया काम हो रहा है इसमें। उसमें ये है कि, और मतलब एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि जैसे एक गांव पड़ता है ग्राम अजनोई, तो उसमें मतलब 4 मोटर पूरी बंद पड़ी हुई है, 2 महीने से ऊपर हो गए, तो उनमें मतलब बेल रहा और केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मतलब बोलते हैं सेक्रेटरी और सरपंच कि मेरे मोटर और बेलर देने की कोशिश करें, तो हमें मतलब गांव वाले ने परेशानी आ रही है पानी पीने की। तो उसमें मतलब ये क्या बोलते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों के मतलब ऐसी जैसे उन्होंने 2 महीना कल दें ऊपर हो गए। पेयजल की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। तो क्या लगता है कि केवल ये भ्रष्टाचार के लिए ही वहाँ पे? हाँ, भ्रष्टाचार की वजह से चल रही है, क्योंकि पैसा बजट के, पानी के पैसा आते हैं ना, तो उनके बजटें भी खा जाते हैं, यानी पानी के बजट को भी खा जाते हैं। पानी भी और मतलब अपने पंचायत के बजटें भी खा जाते हैं, 2 ही बजट ना खा जाते हैं। तो ऐसा क्यों माने, क्यों ये इतना हो रहा है, इन पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं? तो ये तो अपने मतलब, या तो हमने दरखास्त भी लगाई जिला सीईओ साहब के लिए भी दी है, जनपद में भी दी होती है, कलेक्ट्रेटी में भी दी है कलेक्टर साहब के लिए, पर अभी मतलब कोई निराकरण नहीं हो पाया इसका। तो ये अधिकारी मतलब कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो अपन क्या माने, मतलब फिर कुछ? तो मैं तो ये, अब ये मैं ये मानता हूँ कि इसमें मतलब ये शासन प्रशासन भी मतलब इसके सामने भ्रष्टाचार के सामने हो चुकी है। अच्छा, तो इसलिए हमारे मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही, नहीं तो हमारे मतलब ग्राम पंचायत झरेर के मतलब जाँच होने के लिए आदेश किया जाता है। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में कुछ नए निर्माण किए हों 2023 में, ऐसे बताइए, हाल ही में बनाए हों? 2023 का ये पूरे काम करवाए नहीं है उसमें, मतलब पूरे घटिया काम करवाए हैं। अच्छा, 2023 में सारे काम घटिया काम। इन्होंने रपटे कितने बना दिए? रपटे बनाए उन्होंने 2, 3, 4 रपटे बनाए उसने। तो चारों रपटों की क्या हालत है? पूरे बेकार हैं, सारे बेकार हैं। बेकार है। तो रपटी में क्या मिट्टी लगाई गई है? मिट्टी लगाई गई है, और मतलब जैसे मतलब माने कि 1 साल भर नहीं टुक पाया है रपटा बने, हाँ पूरा खड़ गया भाई। 8 इंची जो दायरा होता है मोटर, नहीं उसमें फिर 2 इंची का ही इस्तेमाल किया गया है, 2 इंची का मसाला। क्या रपटे अभी से भी टूटने लगे हैं? हाँ, रपटे और मतलब एक तलाई का एक डंडा बनाया, तलाई गहरीकरण अपने मतलब तलाई का नाम है, इसे तालाब का गहरीकरण कराया गया। हाँ, एक तलाई मतलब एस डोम डैम बनाया गया छोटा वाला, तो उसमें मतलब डंडा भी बनाया गया, पानी छरायर
डांकने के लिए, पानी डांकने के लिए, तो उसका भी डंडा भी मतलब अभी बरसात नहीं हुई, इससे पहले भी डंडा टूट चुका उसका। तो यानी कुल मिला के ये कि शासन का जो पैसा है हाँ भी तो वैसे ही हाँ। क्या वहाँ मजदूरों से नरेगा के काम मजदूर करते हैं या मशीन करते हैं? नहीं, मशीन जैसी मशीन लगवाते हैं। अच्छा, जैसी भी मशीनों से काम हो रहे हैं तो वहाँ मजदूरी भी नहीं मिल रही होगी? मजदूरी मिलती नहीं है। मैं जॉब कार्ड कैसे चढ़ाए जा रहे हैं फिर? जॉब कार्ड फर्जी चढ़ाते हैं, उनके आदमी रहते हैं तो उनके मतलब परिवार के रहते हैं तो उन पर बल डलवा लेते हैं। और भ्रष्टाचार जरेर पंचायत के बारे में मतलब भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं होंगे।